कहता है कि एक गांव में दो भाई रहता, एक को नाम गड़सी, दूसरे ने कान नाम सुकेता। कान को गड़सी कन गड़सी लाया राम राम, मन ने पड़गो तेल ले छोरे राकेश एक छोटो सो काम। गड़सी बोलियो के काम है? कानू कह मारे बीनणी के पोतो जायो है, मारे बीनणी के पोतो जायो है, और तेर लो छोरो राकेश बीनणी को पल्लो पकड़ने। जद गड़सी के कोई बात याद आई, दुनिया भाई कोई बात पर नाराज हो रहा, जद गड़सी के नाराजगी वाली बात याद आई और कहने लगो छोरो तो घर को नहीं सुन रहे मेरा काना, छोरो हो घर मई, छोरो सुत्यो घर के मई, झटकू आड़ खोलिया और बोले बापू थे कान्ने काके ने झूठ कहिया। मैं कान्ने काके के सागे जरूर जातो रिपियो देली गुड़की कांकरी पर लो पकड़ाई की बिला तो घर में क्यों क्यों फायदो करतो। जद गड़सी कहने लगे बोले सुन बेटा राकेश, आ कहानी है बहुत दुख भरी, मैं यहां मना नहीं करे, इके पीछे बड़ो कारण है, आ कहानी है बहुत दुख भरी। और कानू बायो एक दिन आपने बहुत बुरी करी। राकेश बोले बापू के बुरी करी, बदलो लिया तो ढंगू लिया मन बताओ। तो गड़सी आपके बेटे ने समझा है कि राकेश जके दिन आपने बाई को ब्याह मंडियो, आपने बाई के ब्याह की बात है, जके दिन आपने बाई को ब्याह मंडियो बी दिन आपने में एक विपदा आन पड़ी ही, और बाई के फेराने दिन बाई तेज बुखार में बीमार पड़ी, अपन जके दिन बाई बिना बिल्कुल ही कोनी सरे, क्यों बाई को ब्याह बाई खुद बीमार हो रही, अपन जके दिन बाई बिना बिल्कुल ही कोनी सरे, एक कन बैठियो पंडित फेरा की जल्दी करे। पंडित जी कह लगे भाई ने फिरा मुझे, भाई ने फिरा मुझे, भाई ने फिरा मैं लियाओ, अब लियाओ घटे भाई ने तो सीख करे इसकी भर्ती करा रखी। जद मने एक उपाय सूझी और मैं झट जा रही कान भाई ने बोली कि कान भाई आज आप लेन देन की पक्की रीत बांध ले, ले ली बात तो भूल जा वर नयो व्यवहार गाल है, आज आप लेन देन की पक्की रीत बांध लिया, अरे मेरे लिए छोरी तो बीमार पड़ी, तेरे लिए छोरी ने थोड़ी देर फेरा में साध लिया, मैं सोचियो आज आप ओ काम पट गयो, पण कानो भाई तो खड़ो को खड़े ही को, अरे राकेश सखे दिन आपने बहुत भारी विपदा आई, अरे जद रिश्तेदार में नाक कटवा लागी, तेरी मां ने फेरा में बैठाई तो तने भजन सुनाने वास्ते, भजन के माध्यम से मनोरंजन करने वास्ते इलिए मैं आया हाँ, इलिए माने बुलाया है, मैं पूरो प्रयास कर सिया क्या भजन संध्या तने बढ़िया लागे, तो लीजिए माँ शारदे को याद करते हुए इस